सर जब हमने शुरू की थी हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये कांस तक पहुंचेगा। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि आपकी फिल्म इतनी बड़ी होगी कि कांस में इसकी प्रीमियर की जाएगी तो शायद मैं अलग तरीके से शूट करता। पर ये मेरे लिए एक मतलब अनएक्सपेक्टेड सा मौका आया और मैं बड़ा डरा हुआ था, नर्वस था, पर कल के रिएक्शंस देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया एंड उम्मीद करता हूँ कि रिलीज होने पर भी ऐसे ही खुश हो जाऊंगा। तो और बताओ, पूछने हम आ गए हैं कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंडिया हियर इज द कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च टू फिल्म्स एंड ही हैज बीन लुकिंग डैपर। ऑल द पिक्चर्स यू हैव ऑलरेडी सीन आर मार्वेल इज हियर। दिस इज हाउ आई एक्चुअली लुक व्हेन आई एम नॉट लुकिंग डैपर। यू आर स्टिल लुकिंग नाइस। ओके, नाउ यू आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट। नो नो, अरे एनीवे। अच्छा, सो बहुत ही ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज रॉकेटरी जो इन्होंने प्रोड्यूस करी है, डायरेक्ट करी है, एक्ट किया है उसमें, उसका प्रीमियर था, बड़ी तालियां बजी, बड़ी तारीफें हुई एंड ही क्लियरली लुक्स एग्जॉस्टेड एंड एक्साइटेड, व्हिच इज व्हाई आई सेड बैठ के पूछते हैं। और बताओ, सो और बताइए कैसे चल रहा है कान में? मेरे हाथ पैर कान नाक सब बंद हैं फिलहाल तो, क्योंकि या हमने ये पिक्चर जब हमने शुरू की थी हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये कांस तक पहुंचेगा। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि आपकी फिल्म इतनी बड़ी होगी कि कांस में इसकी प्रीमियर की जाएगी तो शायद मैं अलग तरीके से शूट करता। पर ये मेरे लिए एक मतलब अनएक्सपेक्टेड सा मौका आया और मैं बड़ा डरा हुआ था, नर्वस था, पर कल के रिएक्शंस देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया एंड उम्मीद करता हूँ कि रिलीज होने पर भी ऐसे ही खुश हो जाऊँगा। क्या बात है, एब्सोल्यूटली। ओके, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क यू। फर्स्ट, आपने रेड कार्पेट वॉक किया, आपके लुक की बड़ी तारीफ हुई। अच्छा, व्हाट डू यू मीन अच्छा? ऑफ कोर्स यू नो, डू यू स्टिल नॉट रीड द मैसेजेस एंड ट्वीट्स दैट योर फीमेल फैंस एंड फैंस इन जनरल सेंड यू? नहीं, मुझे मतलब रेड कारपेट में तो टॉम क्रूज चल रहा था, सभी लोग चल रहे थे यार, इसमें सबके बारे में उन्होंने लिखते होंगे। वैसे मुझे नहीं लगा था कि मेरा कोई खास था। टॉम क्रूज नहीं, मुझे नहीं पता था कि अलग हमारी कोई बात चल रही है। ओके, नाउ कमिंग टू रॉकेटरी, लाइक यू सेड इट्स अ फिल्म यू डिडंट एक्सपेक्ट एंड अप इन कान। या और नंबी सर पे है ये, वो आपके साथ थे कल, ही गॉट वेरी इमोशनल। इट्स अ फिल्म दैट ऑफ कोर्स अ स्टोरी दैट नीडेड टू बी टोल्ड। सो समवेयर यू नो माय आस्किंग यू, आपने इस सब्जेक्ट पे फिल्म क्यों बनाई थोड़ा इररिलेवेंट है, मैं समझ रही हूं आपने क्यों बनाई, बट कितनी मेहनत लगी? बिकॉज क्लियरली दिस रिसर्च दैट यू हैड टू डू, यू हैड टू गेट सर्टन थिंग्स राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो साइंटिफिक वर्ड्स बीइंग यूज्ड, यू आर साइंटिस्ट सो यू कांट जस्ट मेस अराउंड विद ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में बताइए। अगर मैं अभी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बनाना नामुमकिन है, क्योंकि कभी कभार ना हौसला बुलंद रहता है छलांग मारने से ठीक पहले तक, और फिर एक छलांग मारने के बाद आपको लगता है कि ओ तेरी मतलब दम कम रह गया यार, अब तो नाले में गिर जाएंगे। वो वाला डर जो है वो अभी होता है जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ हमने हासिल किया है, इस फिल्म को 3 लैंग्वेज में हमने शूट किया है, हमने 8 कंट्रीज में शूट किए हैं और हमने ऐसे ऐसे जगहों में शूट किया है जहाँ पर बाकी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, और इसके बावजूद आज हम मतलब पिक्चर ख़त्म करके इसको, और ऐसी चीज़ें हुई इस फिल्म के साथ जो कभी किसी फिल्म के साथ शायद होनी नहीं चाहिए या हुआ नहीं है। जैसे कि पूरे फिल्म में हमने कोई मतलब पिक्चर बन के 2 साल पहले हमारा सेंसर हो चुका था और हम कोविड की वजह से 2 साल रुके हुए इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, या ऐसे हकीकत जैसे इस पूरे फिल्म में कोई भी जो है प्रोस्थेटिक्स यूज़ नहीं किया है, कोई भी मतलब मोटा दिखने के लिए पैडिंग या बाल सफ़ेद करने के लिए विग लगाया हो ऐसा नहीं हुआ है, सबके सब ओरिजिनल क्लोथ्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमको उस वक्त लगा था कि ट्राई करके देख लेते हैं, और अभी देखता हूँ तो डर लगता है कि भाई उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता, जैसे कि पूरी फिल्म को हमने उल्टा शूट किया कि जब जो जो बूढ़ा जो ओल्डर जो वर्जन है, वी स्टार्टेड फ्रॉम द ओल्डर वर्जन टू कम टू द यंगर वर्जन इन 3 लैंग्वेजेस, सो इफ समथिंग हैड गॉन रॉन्ग एंड वी हैड टू रीशूट, there was no choice. So I'm very glad you touched upon this because this gives me a segue to my next question. I wanted to speak about that physical transformation. Matlab, apart from your directorial debut, all the stress with that, you acting also. जैसे आपने बोला, if अगर बात से पीछे आप गए हैं, so you've gained weight, lost all that weight, looked older, looked younger. Like, wow, what was that like?
That was exactly what I was trying to say because it was not a fancy film कि आप अगर you know बूढ़ा दिखने के लिए अगर आपने बाल सफेद पेंट कर लिया या आपने क्या बोलते हैं विग लगा लिया तो लोग माफ कर देंगे क्योंकि आप एक कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो बूढ़ा हो चुका है, तो ठीक है. हम एक रियल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. हम एक अगर गांधी उन्होंने बनाया था तो हमने भी ये नंबी नारायण के बारे में बनाया, तो उसको रियल दिखने के लिए हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसको रियल दिखना बहुत ज़रूरी था, इंक्लूडिंग द वेट वी पुट ऑन, इंक्लूडिंग द हेयर कलर, इंक्लूडिंग द टीथ, एवरीथिंग. सो एवरीथिंग वॉज मॉडिफाइड. हमने कुछ 1.5 साल तक साइंटिफिक रिसर्च किया है और हमने इस पर एक क्लिप्स भी बनाए हैं जिसे हम सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी कहते हैं. और उस सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी में हम लोगों को ये बताएंगे कि हम कैसे अपने आप को यंग दिखते हुए रख सकते हैं, लाइक यू नो विदाउट गेटिंग रिंकल्स, हाउ योर टीथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हाउ ओल्ड योर यंग यू लुक, हाउ योर हेयर कैन बी सेफ, व्हाई डू यू अप्लाई ऑयल टू योर हेयर, हाउ डू यू कीप, व्हाट इज द रीजन कि आपको पता भी है कि आप बालों में तेल क्यों लगाते हो और कैसे लगाना चाहिए, आपको पता है कि वेट कैसे लूज करते हैं या 14 दिन में आप 90 किलो से लेकर 65 किलो तक कैसे कम दिख सकते हैं. ये सारी चीज़ों को हमने रिसर्च किया, अपनाया. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये साइंटिफिकली करेक्ट है या इस पर मैंने 25 साल की रिसर्च की है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए काम कर गया इस पिक्चर में और आज तक मेरे बाल बरकरार हैं, मेरे टीथ अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ मैंने सही किया होगा. और इसके बारे में हम जिक्र करेंगे व्हेन वी डू द सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी. अब मैं आपको ना ये वहां पे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ किया क्या. एंड अगर आपको लगता है कि ये इम्प्रेसिव है तो आप बताइएगा, और अगर आपको नहीं लगता है कि ये बकवास कर रहा है मैडी, ये बोल देना कि मैडी देखिए बाकी सब अच्छा लगा लेकिन ये थोड़ा बकवास लग रहा है, ठीक है. तो हम आपके रिएक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे ये देखते वक्त, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. आपको पता है कि मुझे नंबी नारायण की तरह दिखना था, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने दांतों को उनकी तरह दिखने के लिए ये मतलब मैं कैमरा भी कैमरा नहीं, नहीं 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 मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके सिर्फ रिएक्शन देखेंगे. हाँ, ये मेरे असली दांत हैं, याद रखिएगा, जो आप देख रहे हो ना, दिस इज माय रियल टीथ व्हिच आई गॉट इट मॉडिफाइड. आई गॉट इट ब्रोकन लाइक दिस, दिस इज माय टीथ. ओह शिट, ओह नो, प्लीज लेट मी शो दिस. Oh my god. That is actually how my teeth had to look for the film. I broke the alignment of my jaw. I reshaped my jaw for the sake. So this is how it is. Can you show? No, that's what I'm saying. Uske liye main bala. It was completely crooked and now look at him and his famous smile. Oh my god. Okay. So now as it, so things like nobody has done in the history of cinema that I know of. Nobody has been able to change the shape. But I, आपने फिल्म देखी? मैंने देखी. And आपको अब हम नहीं बताएंगे इनको कि क्यों हम कह रहे हैं, पर आपको पता चल गया ना कि क्यों मुझे जरूरी था कि उनकी तरह दिखूं. Totally. So this one was in English, but I believe obviously it has been shot simultaneously in Hindi, in Tamil. तो इंडिया में आप हिंदी वर्जन रिलीज करेंगे? Sub versions. Okay. Now the responsibility of dealing with a subject like this. Mm. Of course, Nambi Narayan was with you. Did you take him through the story? He took me through the story. Did you take him through the screenplay? Yes, I did. Yeah. And what sort of pressure does one feel जब आप किसी living इंसान की कहानी एक तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपको सौंपी and you were assigned the task tell the world what it really was. The beauty of this story is कि ये कहानी पहले से लिखी गई है. वो एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में है, तो मुझे कुछ अलग सा कंसीव करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे सिर्फ ये देखना था कि 2-2.5 घंटे में एक 50 साल की कहानी को कैसे बताया जाए और सारे हकीकतों को मतलब मद्देनजर रखते हुए, कोई झूठ ना बोलते हुए, किसी चीज़ को सिनेमैटिक लिबर्टीज ना लेते हुए हम कैसे इसको दिखाएं ताकि जो भी हम दिखाएं वो लोगों को लगे कि सच है, यू नो कि वो ये सच भी हो सकता है पर लगना चाहिए कि वो सच है. सो दैट वाज द ओनली चैलेंज स्क्रीन प्ले वाइज. ओनली आई हैड टू वरी अबाउट इज टू मेक श्योर दैट द रियलिज्म इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर सेइंग द लाइंस और द डायलॉग्स और हाउ वी आर लुकिंग, उसमें कभी हम हकीकत से दूर ना हटें. तो हो सकता है कि इस कहानी को 50 साल को 2.5 घंटे में समेटते वक्त हमें कुछ ऐसे काम करने पड़े जैसे दो किरदारों ने जो उनके लाइफ में असर दिए होंगे उसको एक किरदार बना देना या टाइम एंड स्पेस को कंस्ट्रेन करना, बस इतना ही हमने लिया है. लेकिन कोई भी इंसिडेंसेस या कोई भी जो चीज़ आप देख रहे हो फिल्म में वो हमारा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है. हर किरदार जो हम निभाते हैं एक्टर्स से दैट अ लिटिल बिट ऑफ दैट कैरेक्टर उनके साथ रह जाता है.
this film must have left an impact on you. What was that? कि ऐसे लोग होते हैं हमारी दुनिया में, हम जैसे कि हम स्कूल में जब होते हैं ना, तो एक गुड बॉय होता है, वो ना हमेशा अपना होमवर्क खत्म करता है, वो हमेशा अपने कपड़े आयन करके लाता है, उसके शू पॉलिश होते हैं, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। उसकी वजह से ना हमको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम मतलब हर मतलब ये हैं, क्योंकि वो सलाह ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर जाता है, तो उसको हम ना टफली मारते हैं। बट यार इतना भी क्या, एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ये कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम ज़रूर होगा, और उसको हम ना सब मिलकर वही बुली हम, बिकॉज एज हमारी एक इंस्टिंक्ट है जिसमें हम ये कभी नहीं कबूल कर सकते कि कोई इतना परफेक्ट हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि नम्बी नारायण वैसे एक इंसान थे, ऐसे नहीं कि उनमें खामियां नहीं हैं, पर एक इंसान इतना अच्छा कैसे दिख सकता है, जॉन एफ कैनेडी से भी हैंडसम कैसे दिख सकता है, एक इंसान इतना अच्छा दिखने के बाद जीनियस कैसे हो सकता है, और जीनियस होने के बावजूद उसका बाकी लोगों के साथ अफेयर क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जरूर अगर 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 किसी ने कह दिया कि ये चोर है, जैसे हमारी फिल्म में डायलॉग है कि अगर किसी इंसान को मारना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है, तो ऐसे करके ना हम अपने आप को खुश कर लेते कि हाँ भाई सही किया, क्योंकि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो जो हमारी इंस्टिंक्ट है, द इंस्टिंक्ट फॉर फर्स्ट लाइक टेक द बेस्ट अमंग आवरसेल्व्स एंड ब्रिंग देम डाउन, दिस क्रैब इंस्टिंक्ट दैट वी हैव, एंड द फैक्ट दैट वी डोंट कंसीडर इंडिया कूल, बिकॉज वी आर, एंड वी हैव टू मेक इंडिया कूल, दैट्स द होल आइडिया, एंड इंडिया इज कूल ऑन द स्पेस फ्रंटियर, वी आर सुपर कूल ऑन द आईटी फ्रंटियर, वी आर वेरी गुड, वी आर इन द टॉप 20 companies in the world on the Fortune 500 list are more than 50% of them are run by Indian CEOs. So ye log cool hai, ye hamare liye mark darshak hai, ye hamari heroes hai, inke bare mein hum nayi picture banate, so that is the reason that we did all this.